अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेठे के हलवे की, या कद्दू का हलवा कह लें, उसकी इंतहाई लजीज और रिवायती रेसिपी, जो कि दावतों वगैरह में तैयार करने के लिए बेस्ट है। कद्दू या पेठे का हलवा तैयार करने के लिए हमने एक कद्दूकस कर लिया है, एक पेठे को या आप कह लें कद्दू को, पम्पकिन को, और ये देसी घी हमने ले लिया है, मेल्ट कर लिया है। ये जो है खोया है, फ्रीज किया हुआ था, इसको निकाल कर हमने रख लिया है। चीनी हमने ले ली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो इसके अंदर हम डालेंगे। इसमें मغزیات हैं, और इसके अलावा कोकोनट है, इलायचियाँ हैं, छिलकों वाले बादाम हैं जो अंदर डालेंगे, और बगैर छिलकों वाले बादाम हैं जो कि इसके ऊपर गार्निश के लिए काम आएंगे। तो ये चीज़ें हैं हमारी। सबसे पहले पैन में देसी घी ऐड कर देंगे, चीनी ऐड कर देंगे, और कैरेमल तैयार करने के लिए पहले हम चीनी को मिलाते मिलाते रहेंगे। कुछ देर बाद ये खुद ही बिल्कुल मेल्ट होकर ब्राउन सी हो जाएगी, उस वक्त तक हमें इसको मिक्स करते रहना है। कैरेमल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखें इस तरह से ये कैरेमल हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कद्दूकश किया हुआ पम्पकिन या पेठा, इसको मिक्स करेंगे। कैरेमल जो है वो अपनी इस तरह की तारे बना रही है, लेकिन हम थोड़ी देर जब कद्दू को फ्राई करेंगे ये खुद ही सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर दम दे देंगे, इसके ऊपर हम लिड रख देंगे अब, ताकि ये गल जाए और जो हमने कैरेमल बनाई थी वो भी घुल कर इसके अंदर मिक्स हो जाए। बादामों को दो हिस्से में तकसीम कर लेंगे और मग़ज़ियात को धो लेंगे। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए और ये शक्ल इख्तियार कर चुका है हमारा हलवा। अब हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। याद रहे कि हमने इसमें पानी नहीं मिलाना, कद्दू अपने ही पानी में गल जाएगा। कद्दू बिल्कुल हमारा गल चुका है और अभी हम इसकी थोड़ी सी घुमाई कर रहे हैं, और साथ साथ आखिर में गलने वाली चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं। अब ये ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इनको ड्राई फ्रूट्स को डालकर थोड़ी देर के लिए हम हिला मिला देंगे। ये हमने धो लिए हैं, मग़ज़ियात जो थे वो हमने धो लिए हैं, वो भी ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें खोया ऐड करूंगी। थोड़ा सा खोया हमने अंदर डाल देना है हलवे के, और थोड़ा सा बचा के रखना है गार्निश करने के लिए। खोया डाल के हमने अच्छा से इसको मिक्स करना है, ताकि इसका फ्लेवर जो है खोए का पूरे हलवे के साथ मिक्स हो जाए। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। बिल्कुल हमारा हलवा अच्छा तैयार हो गया है, खोया इसमें मिक्स हो गया है। इसको अब हम डिश में निकालेंगे और आपको जब दिखाएंगे।
उम्मीद है आपको हमारे हलवा कद्दू की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।